बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई मज़ेदार अरबी डिश के साथ हाजिर हुई हैं। आज जो अरबी डिश बना रही हूँ उसका नाम है मुतबिक। ये बहुत आसान है, इसे आप नाश्ते में और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। मुतबिक बनाने के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और चिकन लिया है। ये चिकन का कीमा, मटन का कीमा या बीफ का कीमा आप ले सकते हैं। चिकन का कीमा नहीं था तो मैंने चिकन को बॉईल करके उसके छोटे छोटे रेशे कर दिए हैं। इस तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर हैं जिनके बीज निकाल दिए हैं, प्याज है, हरा प्याज है, धनिया है, 3 अदद अंडे लिए हैं, सुर्ख मिर्च है, हरी मिर्च है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ज़ीरा है, नमक और काली मिर्च है। मैदे में नमक शामिल करके इसको गूंद लेंगे, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उसी तरीके से इसको गूंद लेंगे। ये आटे की डो हमारी तैयार हो रही है, इसको अच्छे तरीके से गूंद लेना है। जो मैदा हमने 1.5 कप लिया था, गूंद के इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये डो हमारी तैयार हो गई है, इसको ऑयल लगा दिया ऊपर और इसको 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून के करीब हमने ऑयल डालना है। उसमें प्याज डालेंगे और इसको ब्राउन नहीं करना, बस इतना ही इसको पकाना है कि नरम हो जाए। थोड़ा नरम करके फिर इसको छोड़ देना है। प्याज हमारा नरम हो चुका है, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक नहीं डाली है इसमें, सिर्फ लहसुन डालना है। फ्लेम थोड़ा स्लो करेंगे और इसमें बाकी मसाले जो है वो ऐड कर देंगे। साथ ही चिकन डाल देंगे, क्योंकि मैंने चिकन पहले बॉईल किया है इसलिए इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फ्राई करना है। अगर चिकन मटन का कीमा हो तो फिर उसको सही तरीके से पकाना पड़ता है। इसको सिर्फ फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये चिकन हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसको सही ठंडा करके इस्तेमाल करना है। अब ये ग्रीन ऑनियन जो है वो टमाटर जो है इनके बीज मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि बीज में बहुत ज़्यादा पानी होता है। हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें, जितना आप स्पाइसी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हरा धनिया है, इसके अंदर ये जो 3 एग्स हमने रखे हुए थे वो तोड़कर डाल लेने। नमक इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ताकि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से ग्रीन मसाले के अंदर मिक्स हो जाएं। अंडे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिए। अब जो चिकन वाला मसाला हमने तैयार किया था वो इसके अंदर ऐड कर देना है, लेकिन ठंडा करके ऐड करना है, क्योंकि अगर ठंडा नहीं होगा तो हमारे अंडे जो हैं वो पक जाएंगे। तो इसको बिल्कुल ठंडा करके इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
ये मिक्स हो गए। अब जो हमने आटा तैयार करके रखा है उसकी रोटी बनाएंगे, क्योंकि उसको 1 घंटा गुजर चुका है। थोड़ा सा खुश्क मैदा लेके नीचे डाले पहले और इसके पेड़े बना ले। बहुत बड़े भी नहीं बनाने और बहुत छोटे भी नहीं बनाने, इसको बारीक बारीक बेलना है, बिल्कुल बारीक बेलना है हमने। जितना बारीक इसको कर सकते हैं करेंगे, लेकिन बारीक करते हुए ये ख्याल रहे कि ये दरमियान में से फट ना जाए किसी जगह से। बिल्कुल सही तरीके से इसको बेलना है। पहले हाथों की मदद से इसको रोल कर लें, ऐसे गोल गोल कर लें, उसके बाद बेलन से इसको बेल लें। ये रोटी बेलकर हमने तैयार कर ली है। अब इसके अंदर मसाला डालेंगे जो हमने फिलिंग तैयार की हुई थी चिकन और एग की, उसको इसके अंदर रखेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेंगे। अब एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालकर इसको फ्राई कर लेंगे। ज्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे। और इसको तल लेंगे अच्छे तरीके से। वो मीडियम फ्लेम पे हमने फ्राई करना है, ताकि ये इसके अंदर जो एग है वो भी पक जाए और ये क्रिस्पी भी हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं करना। मतलब हमारा तैयार हो गया, ये देख लें आप, दोनों साइडों से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। इसी तरीके से बाकी भी तैयार कर लेंगे। इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये आप देखो, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। ये हमारी अरेबिक डिश मुताबिक तैयार है। आप इसी तरीके से बनाएं, घर में बच्चों को भी दें और ख़ुद भी नाश्ते में इस्तेमाल करें। नहायत आसानी से बहुत जल्द बनने वाली और लजीज रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।